हेलो एवरीवन, ये है सीटेट जनवरी 2023 का मैथ्स का पेपर। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाने जा रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विशाल हैज 10 डजन कैंडीज। तो 10 डजन को आप सॉल्व करेंगे तो 10 टाइम्स 12, यानी 1 डजन मतलब होता है 12, तो 10 डजन हो गए 120 कैंडीज। अब विशाल ने 1/3 जो है वो राधा को दिए 120 का। तो पहले पहले आप 1/3 निकालेंगे, 1/3 कितना होता है 120 का, तो ये 1/3 ऑफ 120 यानी कि हो गया 40 कैंडीज। और 2/5 दिए उसने आसिफ को, तो आप 2/5 निकालेंगे आसिफ के पास कितनी कैंडीज है, तो आप आसिफ का निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे 2/5 ऑफ 120, जो कि बनता है जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48 कैंडीज। और फिर आता है 1/12, ठीक है, 1/12 लिखा है, यानी सोनू को मिला है 1/12 फ्रैक्शन यानी हिस्सा उस 120 का। तो आप 120 का 1/12 निकालेंगे तो ये कितना बनता है, सिर्फ 10 कैंडीज। और जो बाकी बचा हुआ था उसने विशाल ने अपने पास रख लिया, तो वो हमें निकालना है कि बाकी जो विशाल के पास है वो कितना बचता है। तो पहले आप इन सबका टोटल निकाल लीजिए, 40 + 48 + 10, जो कि हो गया आपका 98 कैंडीज। यानी कि 120 में से अगर 98 कैंडीज ये तीनों ने ले लिए, तो बाकी जो बचा हुआ है, यानी बाकी निकालने के लिए आपको सिर्फ सिंपल करना क्या है, 120 में से 98 को माइनस करना है। तो आप ये माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22। तो इसका ऑप्शन है 22। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही कैसा है, क्या कौन सा फ्रैक्शन सही है वो निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 7 को 3 से करना है और 5 को 5 से। तो 7 अगर 3 गया है तो वो उस तरफ गया है, उस साइड, लेफ्ट साइड, तो ये हो गया 21 और ये 25। 25 ग्रेटर है, लेकिन ये जो साइन लगाया है वो ये 3/5 की तरफ है, यानी ये गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे, दोनों में इक्वल साइन लगा हुआ है, क्या ये सही है, 2/5 और 8/30, सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 30 करेंगे, 8 × 5 करेंगे, और ये हो गया 60 और ये हो गया 40। यहाँ 60 बड़ा है लेकिन बीच में तो इक्वल साइन लगा हुआ है, यानी ये भी गलत है। फिर आप देखेंगे सी ऑप्शन, 1/5 और 1/3 है। तो जब भी हमारा सेम न्यूमरेटर होता है, जो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है, या फिर आप ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी पता चल रहा है कि ग्रेटर साइन राइट साइड में है, यानी कि 3 और 5 में से 5 बड़ा, यानी ये वाला सही करेक्ट आंसर है। डी अगर आप देखना चाहें तो भी पता चल ही रहा है कि वो रॉन्ग ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटा, फिर उस बढ़ते 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 सबसे बड़ा आपको निकालना है। तो पहले ऑप्शन में आप देखेंगे कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ, और यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है और 5th पार्ट है ये गलत लिखा गया है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड में आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो दिख ही रहा है कि ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही तरीके से अरेंज है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में सम ऑफ प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू मतलब जिस प्लेस पर वो नंबर है उसकी वैल्यू, यानी जिस पोजीशन पे। 7 जो है 10,000 प्लेस पर है, तो यानी 70,000 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। दूसरा 7 700 प्लेस पर, 700 हो गया, और फिर 7 जो है 1 प्लेस पर है, तीनों को प्लस कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया 70,707। अगला क्वेश्चन है, वॉट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60,078। ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो कि 60,078 से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या वो कम्प्लीटली 245 से डिविजिबल हो जाए। तो उसके लिए पहले आप डिवाइड करके देखिए, आपने ये डिवाइड करना है सिंपल। ये इस तरह के क्वेश्चन आप अगर देखेंगे ना, स्कूल लेवल के क्वेश्चन बुक्स में ज़रूर मिलता है, 6th-7th क्लास की बुक्स के अंदर। तो ये हो गया, आपने पहले डिवाइड करना है, तो ये आप डिवाइड करते जाइए अच्छे से, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपने डिवाइड किया। ये मोस्टली एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में से ही लिया गया ये टॉपिक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सबट्रैक्ट किया और ये आपका आ गया रिमाइंडर 53। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है, अगर ये नहीं होता इस डिविडेंड के अंदर तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता। तो इस 53 को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जाकर ये नंबर
पूरी तरह से डिवाइड होगा। अगले क्वेश्चन में आपको निकालना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं यूनिट्स, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर पता करना है कि फोर्थ प्लेस पे क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर वही स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो अब पहले आप इन सबको अरेंज कीजिए, ये यूनिट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यूनिट्स का पता हो कि यूनिट्स कौन से पोजिशन पे आती है। सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर सबसे छोटा है, फिर सेंटीमीटर बड़ा है उससे, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। तो फोर्थ प्लेस पे आ गया आपका मीटर। तो मीटर्स आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही ऑप्शन है। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम 6 आवर्स 35 मिनट्स बिफोर 15:20। अच्छा, बैठ के कैलकुलेट, ऐसे ही अगर आप बैठ के कैलकुलेट करेंगे तो बहुत गलत होने के चांसेस हैं। तो अब आप क्या करना है, ये 15:20 जो है वो आवर्स में चेंज किया, यानी 3:20 होता है टाइम पीएम। तो कुछ नहीं करना, 15:20 को वैसे ही रखना है और 6:35 को आपको माइनस करना है। अब क्योंकि 20 में से 35 जा नहीं सकता, 20 छोटा है, और हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम पूरा 1 आवर बोरो करेंगे। तो 60 लिया और 20 ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था, तो 60 प्लस 20 हो गया आपका 80। अब 80 में से 35 को माइनस किया तो 45, और यहाँ से 15 में से हमने 1 घंटा लिया है तो 1 माइनस तो करना पड़ेगा, तो ये हो गया 14 माइनस 6 यानी 8 8 आवर 45 मिनट्स। तो आप इसको आप आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 8:45 AM। तो ये हो गया आंसर आपका 8:45। ये तरीका याद रखना, नहीं तो बैठे बैठे सोचेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जयंती वॉक्स 3/5 फ्रॉम द प्लेस पी टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ 3/5 किलोमीटर जा रही है, तो आप ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन का भी पता होना ज़रूरी है। तो ये ईस्ट हो गया इस तरफ राइट साइड में, और फिर 1/5 5/7, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन है और ऊपर वाला जो था वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक मिक्स फ्रैक्शन और या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये थोड़ा लंबी लाइन होगी, वो भी वेस्ट की तरफ। तो ये 12/7 जो मैंने चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन को, वो बड़ा है 3/5 से, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर मतलब जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा, और प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये 12/7 पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो आप इसको सीधा सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, 12/7 माइनस 3/5, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 35 हो गया, और फिर उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया, जैसे कि हो गया 60 माइनस 21, तो ये हो गया 39/35। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ये हो गया 1/4/35, यानी कि ये वेस्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, पी से वेस्ट की तरफ है, तो ये वेस्ट हो गया, टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ पी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत ही ध्यान से करना इस क्वेश्चन को समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 2.5 डजन। अब आप डजन तो जानते हैं, ये 12 होता है, तो 2 मतलब 12 टाइम्स 2 मतलब 24 हो जाएगा, और हाफ मतलब 12 का हाफ 6, तो 24 प्लस 6 हो गया 30। ये तो सही ऑप्शन है, आपको जो सही नहीं है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है तो वो छोड़ देंगे। सेकेंड ऑप्शन आइए, 5 लीटर 50 मिलीलीटर। अब 1 लीटर में होता है 1000 ml। अब 1000 ml है तो 5 लीटर हो गया 5000, तो ये हो गया आपका 5000 ml। अब 50 मिलीलीटर्स, 5000 प्लस 50 हो जाएगा आपका 5050। अब आपको यहाँ पता चल गया है कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये आपका आंसर हो गया बी, 5 लीटर 50 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो फिगर्स फाइंड आउट करना है जिसके लीनियर और रोटेशन सिमेट्री सेम नहीं होते। सिमेट्री मतलब जब हम किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो दोनों पार्ट्स आपस में सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस का मैंने काट के एग्जाम्पल दिखा रखा है। स्क्वायर के 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ रही है, रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, पैरेललोग्राम की कोई भी सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी काटे वो सेम नहीं आएगा दो पार्ट्स। रोम्बस के 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, रोटेशनल जैसे घुमा कर जब हम टर्न करते हैं तो वो वही शेप आनी चाहिए, उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। अब जैसे स्क्वायर का देख लीजिए, यहाँ पर एस है, अगर हम उसको साइड से घुमाते तो भी वो ओरिजिनल शेप से बराबर आता है, फिर हम उसको टर्न करते हैं 90 डिग्री में तो भी वो ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है, फिर हम 90 डिग्री टर्न करेंगे वापस तो भी हमारा वो जो ओरिजिनल शेप है, फर्स्ट फिगर है, उसके साथ मैच कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही हम उसको रोटेट करते जाए 90 डिग्री, यहाँ तो 90 डिग्री है लेकिन शेप्स के ऊपर हिसाब से रहता है कितनी डिग्री है,
तो अगर हम उसको घुमाते रहते हैं और वो ओरिजिनल फिगर के सेम आता है तो हम उसको रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। ये तो स्क्वायर का हो गया जिसके फोर रोटेशनल सिमेट्री है। एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर टू रोटेशनल सिमेट्री, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे टर्न करते हैं तो फर्स्ट फिगर के साथ मैच नहीं कर रहा, यानी ये वाले रोटेशनल सिमेट्री मैच नहीं कर रही। फिर हम उसको घुमाते हैं तो सेकेंड वाले जो फिगर है वो मैच कर रहा है, थर्ड फिगर नहीं कर रहा और फोर्थ कर रहा है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट फिगर के साथ दो रोटेशनल सिमेट्री आ रही है। पैरेललोग्राम में भी दो रोटेशनल सिमेट्री है, रोम्बस में भी दो है, तो यानी पैरेललोग्राम आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में, रेहान मेक्स क्यूब्स यूजिंग पेपर फोल्डिंग, ही मेक्स 25 क्यूब्स ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर। अच्छा, रोहान ने एक पेपर फोल्ड करके 25 क्यूब्स बनाए और हर एक क्यूब का साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो अब आपको पूरे बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब तो है यहाँ पर 25 और एक छोटे से क्यूब का जो साइड दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो उस छोटे से क्यूब का जो हम वॉल्यूम निकाल देंगे जो कि पूरे बड़े बॉक्स को फिल कर देगा इन छोटे छोटे क्यूब्स के साथ। तो वॉल्यूम है आपका 5 × 5 × 5, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूरा जो बड़ा क्यूब है वो बड़ा बॉक्स है, उसमें 25 छोटे क्यूब्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम जो उस बड़े बॉक्स का हो जाएगा 25 × 125, यानी 3125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीडियन ऑफ हाइट्स गिवन बिलो। मीडियन होता है बीच का नंबर, मीडियम मिडिल नंबर। तो पहले आप इसको अरेंज कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, याद रखना इसको अरेंज करना बहुत ज़रूरी है असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। तो इन सबको अरेंज कर दिया हमने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में, तो ये हो गया आपका 158। दो बार है तो 158 दो बार ही लिखना है। फिर 159, 160 भी दो बार है तो वो दोनों ही आएंगे। फिर 161, 162, 167 और फिर 170। ये हो गया आपके ऑड नंबर्स। कितने हैं ये नंबर्स? 9 नंबर्स हैं। तो अगर 9 है तो बीच वाला नंबर आपको पता ही है क्लियरली, आप इजीली आप इसको कर देना। मीडियन का एक फॉर्मूला होता है ऑड नंबर के लिए, n+1/2, ठीक है? तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा n+1/2, यानी कि हो गया 9+1 यानी 10, 10/2 यानी फिफ्थ पोजिशन पे जो भी नंबर है, जब अरेंज करके हमने देखा फिफ्थ नंबर पे जो भी नंबर आ रहा है वही आपका मीडियन है। तो ये फिफ्थ नंबर पे अगर आप काउंट करते हैं तो ये हो गया आपका 160। ये तो 160 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है, गेम लाइक बाय स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब ये आपको निकालना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चेस इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। तो चेस के 50 लोग बच्चों को पसंद है और फुटबॉल 60, तो ये गलत है ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है कि जो बच्चों को बैडमिंटन पसंद है वो फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों से ज़्यादा है, लेस देन है, सॉरी कम है, तो यानी ये तो ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है वो देखा है कि चेस जितने भी बच्चे खेलते हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 1/4 है। तो पहले आपको टोटल निकालना है कितना है, तो इन सबका टोटल होता है 200। अब आप 1/4 निकालिए कितना होगा, 1/4 of 200 कितना है, तो ये हो गया आपका 50। तो क्या चेस 50 बच्चे पसंद करते हैं? तो यस, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो डी एक बार करके भी देख सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं टाइम पर ऊपर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन नंबर्स पैटर्न। अब इसमें जो मिसिंग नंबर है वो आपको निकालना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर है 0+1 = 1, नेक्स्ट नंबर 1 है, 1+1 नेक्स्ट नंबर 2 है, तो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि आपको नेक्स्ट नंबर के साथ प्लस करते जाना है और नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो उसका सम होगा। 2+3 5 हो गया, 3+5 8 हो गया, तो 8 5+8 कितना होगा, 13, यानी 13 जो है वो इस ऑप्शन में इस लाइन पे आना, फिल इन द ब्लैंक्स में ही आना है, फिलन में। और फिर 13+21, 8+13 जो है वो 21 हो गया, फिर 13+21 जो है वो 34 हो गया, 21+34 जो कि नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है, तो ये हो गया 21+34 यानी 55। यही आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका आंसर हो गया 13 और 55, जो कि अननोन ब्लैंक में आपको फिल करना है। तो ये आपका आंसर हो गया 13 एंड 55।
इसको ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा ताकि इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितना फॉर्मूले और जितना पैटर्न आपको पता होगा उतना जल्दी आपका टाइम भी बचेगा, सॉल्व हो जाएंगे। असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड नॉट फोकस अपॉन। इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि असेसमेंट मैथमेटिक्स में कौन से ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उस इन ऑप्शंस के हिसाब से लेबलिंग द लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन अ टेस्ट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है आंसर इसका, क्योंकि ये अप्रोच बच्चों की एबिलिटी, स्किल्स और उनके पोटेंशियल को नज़रअंदाज कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, वो है ऑप्शन बी डेवलपिंग नंबर सेंस। क्योंकि नंबर सेंस का मतलब होता है जैसे प्लेस वैल्यू का पता करना, प्लेसेस का पता करना, एस्टिमेशन, दो नंबर का एस्टिमेशन क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, जिससे वर्ड प्रॉब्लम करने में बहुत ही मदद मिलती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विथ प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम है वो कौन सा होना चाहिए। कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि पहले कॉन्क्रीट से जाना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना है, फिर जाकर एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि अ टीचर आस्क अ क्लास फॉर स्टूडेंट टू राइट 54। एक टीचर ने 54 लिखने के लिए बोला बच्चे को और उसने 504 लिख दिया, तो आप उस बच्चे को कैसे सही करेंगे। तो इसका जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि एक्सप्लेन हाउ टू राइट टू डिजिट नंबर्स यूजिंग बंडलिंग एक्टिविटीज़। बंडलिंग एक्टिविटी उसे थे जैसे बंडल से हम ग्रुप्स बनाकर हम लोग जब टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स बचपन में जो सीखते थे वही आपको बच्चे को सिखाना है। इससे बच्चे को प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट पहले हम वही लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो है कवरिंग द गिवन रेक्टेंगल विथ इरेजर्स और शार्पनर्स, कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से बच्चों को पता चलेगा कि एरिया मतलब होता है किसी भी चीज़ को, सरफेस को कवर करना, पूरे तरह से कवर करना। फिर जो सी ऑप्शन है कवरिंग सरफेस ऑफ द रेक्टेंगल विथ स्क्वायर टाइल, वो अब नेक्स्ट मैं समझाएंगी उनको ताकि उनको पता चले कि एरिया को यूनिट स्क्वायर की काउंटिंग करके भी पता कर सकते हैं। फिर थर्ड जो है तरीका वो है बी ऑप्शन, मेजरिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेटिंग इट्स एरिया बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेथ। यानी पूरी तरह से फॉर्मूला उनको समझ में आ जाना कि किस तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्रीफ नोट्स दैट द टीचर टेक्स एज ही और शी ऑब्जर्व्स चिल्ड्रन टू डॉक्यूमेंट अ रेंज ऑफ बिहेवियर दैट चिल्ड्रन डिपिक्ट वाइल डूइंग एन एक्टिविटी टास्क इन अ क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल। तो कौन से किस रिकॉर्ड के अंदर आप ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह कैसे टीचर्स लिख सकते हैं। तो ये एनिकोडोटल रिकॉर्ड होता है, यह एक रिकॉर्ड होता है जिसमें टीचर्स बच्चों की बिहेवियर, एक्शन और स्किल्स को पता करती है उनकी एक्टिविटी या टास्क के हिसाब से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन मैथमेटिकल टीचिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स द यूज ऑफ विजुअल मैनिपुलेटिव्स हेल्प टू मूव फ्रॉम। तो ये वही चीज़ कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करना, यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ करना ताकि मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज जो है अगला क्वेश्चन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज इन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। तो ये है इसका आंसर, जो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग एंड पैटर्निंग की ज़रूरी होता है। इस तरह के स्ट्रैटेजीज के लिए बच्चों को लॉजिकली प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, फिर कनेक्शन बनाते हैं और पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM एट द प्राइमरी स्कूल लेवल। सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट जो अबाउट टीचिंग है वो LCM है, वो है इट कैन नॉट बी टॉट टू टीच चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी ग्रेड। ये धारणा ही गलत है क्योंकि LCM जो है वो हम आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पे रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन आस्क्ड टू कैलकुलेट 5 times 28 अ चाइल्ड सॉल्व्स इट इन द फॉलोइंग वे। एक बच्चे को जब 5 times 28 मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो उसने ये तरीका यूज़ किया। जो फर्स्ट आप देख रहे हैं 5 times 28 equals to 28 times 5, ये एक कम्युनिटेटिव लॉ है जिसमें होता है a times b equals to b times a, यानी कि दोनों का आंसर सेम है। जैसे 4 times 5 करो तो 20 आता है, या 5 times 4 करो तो भी 20 आता है, बस पोजिशन नंबर के पोजिशन ऑर्डर ऑर्डर्स चेंज करना। तो फर्स्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं,
नेक्स्ट में आपको देख रहे हैं कि इक्वल साइन लगाकर 14 टाइम्स 2 ब्रैकेट में रखा है और टाइम्स 5 रखा है, फिर 14 टाइम्स 2 टाइम्स 5 ब्रैकेट में रखा हुआ है। ये है एसोसिएटिव लॉ, यानी तीन नंबर्स दे रखे हैं, या तो आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करो, या फिर लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाई कर फिर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तो बच्चे ने यहाँ पर दो लॉज यूज़ किए हैं, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो है ए और सी। तो इस तरह के लॉ अगर बच्चे यूज कर रहे हैं तो बहुत इजीली आंसर्स, रटने की जरूरत नहीं होती, आंसर्स आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग एमंग प्राइमरी ग्रेड लेवल। तो प्राइमरी ग्रेड लेवल के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ें, जैसे कि ड्राइंग अ मैप ऑफ देयर होम्स, बच्चों को डिफरेंट तरीके रूम्स और साइज के बारे में विजुलाइज करना ताकि वो विजुलाइज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग एडिशन ऑफ 1-डिजिट नंबर्स, मिस अलका यूजेस कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। कुछ चीज़ों का 1-डिजिट नंबर के लिए उस टीचर ने कुछ चीज़ों का यूज़ किया, तो ये एक इनएक्टिव एक्टिविटी शो करता है जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बच्चे ने समोसा इज अ ट्राइंगल को समझा, ट्राइंगल को समोसा के हिसाब से उसने समझ ली, तो ये एक विजुलाइज बताता है कि वो किस तरह से विजुलाइजन रखता है, एनवायरमेंट से रियल लाइफ एग्जाम्पल को सॉल्व करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाइल सॉल्विंग अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 63 माइनस 29, अ चाइल्ड सेज आई चेंज 29 टू 30, और 63 को 64 में चेंज कर दिया। तो इस तरीके के अगर कॉन्सेप्चुअल बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर है उस बच्चे के, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ मैथमेटिक्स क्लास अ चाइल्ड रिस्पॉन्स दैट 7 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 7 एंड 0 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 7। तो अगर ये इस तरह से मिस्टेक कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को पहले मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझाना होगा कि रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन है। अगर हम रिपीट एक ही नंबर को रिपीट करते हैं और ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया सी टेट जनवरी 2023 का। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।